your rectification question, right? Let's see. Rectification question was at number 4. Yes, it is question number 4. Correct the following errors by passing the rectified entries and also prepare suspense account. Right, so we have the 5 transactions in the question and we have to prepare the suspense account as well. So whosoever has sent the PDFs to me, they will be watching where they did a mistake. 5-7 paper abhi mere paas unchecked hai, that I will send you by today evening. This is question number 4. First, right, wrong and rectified that column. सेल बुक हैज बीन टोटल्ड, जब कभी भी कास्ट शॉर्ट रहता है या टोटल्ड मोर रहता है, ओवरकास्ट रहता है, तो वी नेवर पास द एंट्री राइट रॉन्ग, हम कभी भी नहीं करते. आपने प्रभनूर पता नहीं क्यों यहाँ पे गलती करी. सेल्स बुक में 1000 रुपया कम लिखा है, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सेल को क्रेडिट ही तो करेंगे, बिकॉज सेल इज माई इनकम. सो इनकम साइड पे आपने 1000 कम लिखा है, तो और लिख दो ना, टू सेल्स. ये मैक्सिमम बच्चों ने ठीक किया. सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स. सो व्हेनेवर अंडरकास्ट एंड ओवरकास्टिंग इज देयर, 1000 रुपीज शॉर्ट, उसे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सेल को क्रेडिट करेंगे. एम आई राइट प्रभनू, ठीक है ना. सस्पेंस टू सेल विद रुपीज 1000, इस कॉलम में अपने नरेशन भी लिख के आना है. बीइंग सेल्स बुक अंडरकास्ट इट नाउ रेक्टिफाइड, राइट. चलिए जी आगे चलते हैं. सेकेंड, गुड्स वर्थ रुपीज 1500 रिटर्न्ड बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर. इट मींस की होल ओमिशन है, एरर ऑफ ओमिशन है, कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया. अब करो ना, क्या आएगा, goods returned by green and company, it means ki we sold to green and company and it is returning the goods to me, to kya banegi, sales return account debited to green and company, no suspense account in the same thing, right. Kya entry karenge bolo, sales return account debited, yes, whole omission hai. If somebody asked from you identify the type of error, so this is an error of omission, right. Kal bhi discuss kiya tha, sales return account debited to green and company. Being goods returned by Green and Company, not recorded, now entered. ठीक है, not recorded yet, now recorded. You can change the wording of your, क्योंकि rectification यहाँ पे कुछ हुई नहीं, अभी तक record नहीं किया था, तो अब record कर दो. It's not rectified, it's now recorded. Next देखो, goods purchased of rupees 2500 was posted to the debit of supplier Ravi. जब हम सामान खरीदते हैं तो entry क्या होती है, purchases account debited. रवि, ठीक है जी, जब रवि का नाम है मीन्स क्रेडिट पे खरीदी है, आपने गलती से रवि को क्या कर दिया, डेबिट. मीन्स आपने परचेसेस भी डेबिट करी है भाई, क्रेडिट कुछ नहीं करा. सेकंड अकाउंट वी ऑलवेज अस्यूम दैट इज करेक्ट, परचेसेस डेबिट होनी चाहिए थे, हुई, दैट इज करेक्ट. रवि को क्रेडिट करना चाहिए था, करेंगे. जो रवि गलती से डेबिट हो गया उसे भी तो क्रेडिट करके सही करेंगे. इट मीन्स कि रवि इज टू बी क्रेडिटेड विद डबल अमाउंट, ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास फॉर सो मेनी टाइम्स. Whenever you change the nature of the account, means credit की जगह आप किसी को debit कर दो या debit की जगह आप किसी को credit कर दो, तो that is always being affected by double amount. Suspense account debited to Ravi will be your right entry. Sorry, rectify. Suspense account debited to Ravi with 5000 आना था भाई. जिन्होंने 2500 लिखा और entry ठीक लिखी है, उनका भी मैंने गलत किया, because जब तक आप amount journal entry में ठीक नहीं डालते, that is incorrect. आगे चलते हैं. फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी रुपीज 10,000 एंटर्ड इन द परचेसेस बुक. परचेस बुक में कौन सी परचेसेस आती हैं जो क्रेडिट पे है, तो ये फर्नीचर भी तो क्रेडिट पे खरीदा है, एंट्री आनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू गुलाब एंड कंपनी, दैट इज करेक्ट एंट्री. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू गुलाब एंड कंपनी, राइट. आपने क्या कर दिया बच्चों, परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू गुलाब एंड कंपनी. अगेन दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, कल भी डिस्कस किया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, अब क्या करें, फर्नीचर को डेबिट करना था, करेंगे, परचेसेस गलती से डेबिट हो गई, उसे भी क्रेडिट करके सही करो. सो दिस विल बी योर रेक्टिफाइड एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस. कितनी अमाउंट है भाई, 10,000. सो अगेन हियर सस्पेंस अकाउंट हैज नॉट बीन ओपन. नाउ कम टू द लास्ट, cash received that I am writing at the top. ये याद रखना suspense to sales है.
कैश रिसीव फ्रॉम अंकित हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट. आपने डबल अमाउंट कैसे सोच लिया? कैश रिसीव फ्रॉम अंकित, एंट्री आनी चाहिए थी कैश टू अंकित, दैट इज 2500. Has not been posted to his account. It means कि कैश को तो डेबिट कर दिया, अंकित को क्रेडिट नहीं किया, तो अब कर दो ना. दो अकाउंट में आनी चाहिए थी ना एंट्री, एक कैश बुक में और एक अंकित के अकाउंट में. पार्शियल एरर है, पार्शियल ओमिशन है. कैश बुक में डाल दिया, अंकित में नहीं डाला, तो अब डाल देंगे. टू अंकित डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस को. यस, सस्पेंस टू अंकित. 2500 से ही आना था, कहीं उन्होंने 5000 से लिख दिया, दैट इज रॉन्ग. राइट, now all the entries are in front of me. Here I go with suspense account. Suspense account का कोई भी opening balance नहीं दे रखा, आपने खुद balancing figure निकालनी है. Means जब वो suspense account का question में कोई balance नहीं देता तो balancing figure आएगी. अगर वो खुद देता है तो आमतौर पे दोनों sides match होती है. So पहली entry मैंने क्या करवाई है? Suspense to sales. Here is our suspense account. Suspense to sales. कितनी sales? फर्स्ट एंट्री वॉज विद रुपीज 1000. सेकेंड एंट्री सेल्स रिटर्न टू ग्रीन नहीं आनी. सस्पेंस टू रवि, टू रवि 5000, ये भी नहीं आनी. लास्ट एंट्री सस्पेंस टू अंकित. ऑल द एंट्रीज वी पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड. सो 8500 विल बी योर बैलेंसिंग फिगर. दैट इज यू टेल, दैट इज ब्रॉड डाउन बैलेंस की कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन ओपनिंग बैलेंस यू कंप्यूटेड. And all the errors you removed. Okay? So this is 8500. Any doubt till now from this question you can ask. See the question from your test paper of single entry. Question was very easy. Only one confusion was there, that was interest on loan. So let's see. Maximum बच्चों ने statement of affairs ठीक बनाई है, लेकिन फिर भी capital के answer ठीक नहीं आए. Let's see. So neither opening capital was given nor closing capital was given in the question. That we are going to calculate by preparing statement of affairs. This is question number 3 of your test paper. ओपनिंग क्लोजिंग मैं ऐसे ही बनाती हूं. ये लाइबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड. प्राशर कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग असर्टेन. एंड में बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. सो द फर्स्ट कॉलम इज ऑन 31st March 18 और सेकेंड वाला होगा 31st March 19. दिस इज 18 भाई. लेट्स सी, प्लांट एंड मशीनरी 60,000. ये आपका प्रीवियस ईयर है. पहला कॉलम इज ऑफ प्रीवियस ईयर एंड द सेकंड कॉलम इज ऑफ करंट ईयर. 60,000 स्टॉक, 10,000 कैश इन हैंड, 200 डेटर्स, 34,000. हाँ, कईयों ने सजा के लोन फ्रॉम अनीश एसेट लिख दिया, लोन फ्रॉम अनीश. अगर लोन टू अनीश होता तो एसेट होता. लोन फ्रॉम अनीश मीन्स वी टुक लोन, सो दैट इज आवर लायबिलिटी. लोन फ्रॉम अनीश दैट इज 2000 एट द रेट ऑफ 4% पर इंटरेस्ट. अभी इंटरेस्ट के बारे में उसने कुछ नहीं बोला कि हमने इंटरेस्ट पे किया है कि नहीं. आई एम अज्यूमिंग, मैं यहां पे 2000 क्यों लिख रही हूं, आई एम अज्यूमिंग दिस ईयर ओनली दे टुक द लोन. ठीक है, और कोई डिटेल नहीं बताई. आप साथ में चाहो तो लोन फ्रॉम अनीश एट द रेट ऑफ 4% लिख दो बस. अदरवाइज अपने आप में 4% की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जब तक वो खुद इंटरेस्ट के बारे में खुद कुछ नहीं कहता. राइट, आगे चलते हैं. बैंक ओवरड्राफ्ट दैट इज अगेन माय लायबिलिटी ऑफ दिस ईयर 2200. क्रेडिटर्स इज माय लायबिलिटी दैट वाज 24,240. राइट, क्लियर. अब आगे चलते हैं अगले साल का. ही ओवर टू हिज क्रेडिटर्स इन द नेक्स्ट ईयर. तो क्रेडिटर्स के पैरेलल क्रेडिटर्स लिख दूं अगले साल के, दैट वाज 18,340. व्हाट इज दिस इंडिकेट?
पहले साल 24,240 है, फिर 18,340 हो गए, इट मींस कि डिफरेंस आपने पे कर दिया होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, दिस इज ओनली आवर इंटरप्रिटेशन, लाइक इट इज रिड्यूसिंग, व्हाई इट इज रिड्यूसिंग, बिकॉज वी हैव पेड. यस, आगे अगला वाला, दैट इज इंपॉर्टेंट, वॉइस, लिसन टू मी, आई एम सॉल्विंग अ क्वेश्चन जो आपने नहीं किया और आपने शायद टेस्ट भी नहीं दिया. नाउ लिसन टू मी, आफ्टर कैटस इज राइटिंग अ लाइन एंड हैड पेड टू अनीश, 2000 का लोन था, कहता है 1000 मैंने पे कर दिया इन लियू ऑफ हिज लोन, और कब पे किया है, 1 अक्टूबर. यहां पे हमारा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन लाए करते. अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम कैसे कैलकुलेट, बट हैड पेड नो इंटरेस्ट, अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया, क्या करेंगे, 2000 जो है उसके ऊपर 4% पे करना बनता था, लेकिन क्योंकि 1 अक्टूबर को 1000 की पेमेंट हो गई है तो ये 30 सितंबर तक की अमाउंट रही ना, 2000 की अमाउंट कंपनी के पास या सिंगल एंट्री प्रोप्राइटर के पास 6 महीने के लिए रही, इट इज फॉर 6 मंथ्स. इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, क्योंकि उसने बोला इंटरेस्ट नहीं पे किया, मींस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या है, हमारी लाइबिलिटी, दैट लाइबिलिटी यू आर सपोज टू राइट इन द क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, राइट, अ करंट लाइबिलिटी वी आर क्रिएटिंग. अब 1000 की पेमेंट होगी, अगले 6 महीने 1000 अमाउंट रही ना, दिस इज 1000 एट द रेट ऑफ 4% इनटू व्हाट, 6 मंथ्स. यहां पे गलती करी आपने, क्या कर दिया सबने, 2000 के ऊपर सीधा स्ट्रेट वे 4% लगा दिया, व्हाई नॉट टाइम, बिकॉज़ ही इज सेइंग 1000 ही हैज पेड ऑन 1 अक्टूबर, इट मींस कि 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक 6 महीने आपके पास 2000 लोन है, और 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक आपके पास 1000 लोन है, सो इट्स योर ड्यूटी टू स्प्लिट इट. जब इसके ऊपर 4% निकालते तो 80 बनता, लेकिन मैंने 6 महीने का निकालना है तो 40, इसके ऊपर 4% निकालते हैं तो 40 रुपए बनता, मैंने 6 महीने का निकालना है तो 20, सो दैट्स व्हाई इट इज 60 ना, तभी आंसर वेरी किया, जिन बच्चों ने अच्छी प्रैक्टिस करी हुई है उनका सिर्फ 20 रुपए का डिफरेंस आया आंसर में, बिकॉज दे कंप्यूटेड इंटरेस्ट 80 बट ओरिजिनली इट वॉज 60. क्लियर टू मी? अब कौन मेरे को बताएगा कि अनीश का लोन यहाँ पे कितना लिखू, या तो आप 1000 अलग लिख दो इंटरेस्ट अलग से लिख दो, या आप 1060 लिख दो इंटरेस्ट ऐड करके, बिकॉज व्हेन यू नॉट पे इंटरेस्ट तो लोन की अमाउंट बढ़ जाती है भाई, लोन में जमा होता जाएगा ना इंटरेस्ट, सो यू कैन राइट 1060 कंबाइंड. अगर नहीं लिखना तो यहां पे 1000 ही लिखो, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अलग से लिख दो. क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन नाउ? सो दिस वाज अ ट्रिक इन द क्वेश्चन, बाकी सारा सिंपल था. मैं कैपिटल्स के आंसर लिखवा देती हूं. यस, अगला भी एक था, ये भी बच्चों ने गलती करी है, ही हैड बॉट एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी, ऑलरेडी प्लांट एंड मशीनरी कितना चल रहा है, 60, कहता उसने और खरीदा 26,000 का, तो अब कितने का है, 86 का हो गया ना, 60 का पुराना बेचा थोड़ी ना, बच्चे सजा के यहाँ पे सिर्फ 26 लिख रहे हैं, फिर आंसर गलत है क्लोजिंग कैपिटल. ही बॉट एन एडिशन, 60 तो पुराना है, ओपनिंग तो चले गई ना, वो बेचा थोड़ी ना, तो 60 + 26, 86 का लिखेंगे. डेटर्स, इस साल के डेटर्स 46,000 है और 1800 उसमें से नहीं मिल रही है, मैक्सिमम बच्चों ने ठीक किया, बैड डेट्स माइनस करके लिखना, 46,000 में से 1800 माइनस करिए, 44,200. जो जो कहता गया हम करते गए. इज नॉट एबल टू कलेक्ट, कैश एंड बैंक का बैलेंस क्लोजिंग 8200, स्टॉक का बैलेंस 9000, दैट्स इट, कैलकुलेटेड, कैलकुलेट योर कैपिटल, ओपनिंग सबकी ठीक आई है, ओपनिंग बोल दो 75,000 कितना है, 75,760 है मालिक, देखो दिस इज कैपिटल 75,760, राइट, इसकी 1,24,000 समथिंग है, बोलो 960, राइट, सो दिस इज ओपनिंग, दिस इज क्लोजिंग, कांट यू प्रिपेयर नाउ स्टेटमेंट ऑफ ईयर, दो ही तो चीजें हैं, ड्रॉइंग्स ऐड करना, एडिशनल कैपिटल माइनस करना, आंसर आ जाना प्रॉफिट का. So few of you calculated loss, why? Because you have written plant and machinery of 26,000. इसलिए closing capital कम हो गई, जबकि plant and machinery 86,000 लिखनी है. So see your mistakes and rectify it. This was your question number 3. Yes, question number 2 was of theory. Tailor made का आपको meaning लिखना था, which are to be made as per your order. You just sit with your software engineer. You tell him or her your requirement and as per your demand, as per your desire, he manufactured the software for you. So it is going to help you a lot because you made it on your own demand.
देन मैंने फीचर्स पूछे थे दैट टाइम आल्सो आई वाज डिस्कसिंग विद दिस ऑफलाइन स्टूडेंट्स दैट व्हेनेवर आई आस्क द फीचर फीचर इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सो इन नोट्स आई गेव यू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपने दोनों को कंबाइन करके कोई 5 पॉइंट लिखने थे इन द फॉर्म ऑफ फीचर्स बेटर टू राइट फीचर्स विद हेडिंग्स टू स्कोर फुल ऑन फुल यस फर्स्ट क्वेश्चन वॉज ऑफ एमसीक्यू ये भी 2-4 बच्चों ने ठीक किया बाकियों ने गलत कॉन्ट्रा एंट्री ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक आर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ बैंक अकाउंट इन द लेचर डेबिट ऑफ कैश अकाउंट इन द लेचर क्रेडिट ऑफ कैश अकाउंट इन द लेचर नॉट पोस्टेड इन लेचर नॉट पोस्टेड इन लेचर होगा बिकॉज कॉन्ट्रा एंट्रीज आर ओनली टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक नेवर इन द अकाउंट एंड वंस यू आर प्रिपेयरिंग यू नो कैश बुक देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर सेपरेट बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट हमारे बनते ही नहीं है लेचर जब आप कैश बुक बना रहे हो डबल कॉलम व्हाई टू प्रिपेयर कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट सेपरेटली इफ यू आर प्रिपेयरिंग इट तो कॉन्ट्रा एंट्री वी कांट पुट बिकॉज कॉन्ट्रा एंट्री तो दोनों साइड पे आनी है और दोनों कॉलम्स में आनी है अगर आप बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो उसका तो एक ही कॉलम है हाउ कैन यू ट्रांसफर योर कॉन्ट्रा एंट्री टू द लेचर सो इट कांट फोर्थ ऑप्शन वॉज करेक्ट राइट सो ओनली कैश बुक इज बींग लेफ्ट दैट आई विल डिस्कस विद यू टूमोरो बिकॉज इट नीड्स अ एलैबोरेटेड वर्जन मेरे को हर पॉइंट को डिस्कस करना है आपके साथ Any other query you can ask?